हाँ गुड़ा मलाड़ी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से, मिला हुआ कहते था बुजुर्ग आदमी से दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो रैली, रैली कहता तो बाबा जी यही रह जाते आप रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद, इस बार नहीं। केला जी की मदद भी क्यों करी, मेरे दोस्त है उमेश जी के सामने थर्ड नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है थर्ड, अब भाई अरे छोड़ो थर्ड आएगा सेकंड दे तो फिर ठीक। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी, मैंने कहा मैं क्या करूंगा टायर पे, पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे, पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, चिन्ह समझ में आएगा कि नहीं आएगा, नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के, थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे, कैंडिडेट आपको मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए, मेरा उनसे कोई वैर भाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती, अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिनको मैंने परखा है, अगर मेरी परख गलत रही तो आप जान सकते हो कभी गलत परख मैं करता भी नहीं, मुझे पीड़ा होती है, चिंता होती है कि आपके जो कृषि मंत्री बाड़मेर से आते हैं, जब किसान आंदोलन चला था एक दिन भी इनको नहीं बुलाया माइक पे, एक दिन मोदी ने कभी बुला के नहीं कहा कि आपका मंत्री कौन है, काश उस पंचायती के अंदर हमारे बाड़मेर के किसान नेता को भी बिठाते, उनसे किसानों से बात कराते, इनको तो छिपा के रखते थे पीछे। मीटिंग कौन करता था, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल क्या किसान है क्या, तो व्यापारी आदमी है, तोमर साहब, फलाना साहब, तो हम लोग ऐसे ही है क्या, पावन से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं है। भाइयों इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, ये मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बावन से लेके आज तक 70-75 साल के अंदर ये समाज ने बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर थी, इनकी तूती बोलती थी, आज उनको कहां ले जाके छोड़ दिए, फिर बीजेपी के चक्कर में नहीं आना। हाँ अगर मोदी की सभा हो और किसी का मन हो कि चाय नाश्ता करके आना तो करके आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा चाय नाश्ता करे, लेकिन मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है, एक ही ध्यान में रखना है कि हमें आरएलपी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना है। तू तो निकल गई बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो भाजपा की सीट, पर लीक हो रहा है, कहां बीजेपी बोल रही बताओ, एक दिन बयान, बीजेपी के नेता बयान वीर है, बयान धड़े में एक्सपर्ट है, पहले पेज में फोटो कैसे छपे, कंपटीशन है उनके अंदर, मैंने उनकी यात्रा देखी, पता नहीं कौन सी यात्रा कहां से निकल, मैंने कहा यात्रा निकाल कौन रहा है, बोले बीजेपी निकाल रही, तो यात्रा में एक आदमी निकालता है, बोले 7-8 जगह से एक साथ शुरू हुई है, 12-13 दूल्हे हैं, बारात आ रही है, तोरण कौन मारेगा, अभी तो ये पता नहीं तोरण कौन मारेगा, इतना बड़ा अंधेरा इस कांग्रेस के बीजेपी के राज का अपमान देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की सुन लो आप, गहलोत रिपीट करने की बात करते हैं तो पायलट रस्सा लेके खींच रहे हैं कि रिपीट कैसे होने दूंगा, मैं अंदर भी मैं जवान हूं, मैं आने की मदद कर रहा हूं, खींच के प्रयास भी किया माने से तक लेके पार नहीं पड़ी, हम भी उनसे उनका सहयोग कर रहे थे, बीजेपी के बेहतर के साथ आरएलपी के 3 थे और 19 उनके थे, हमने सोचा सचिन पायलट लड़ाई लड़ेंगे, लड़ नहीं पाए, गहलोत की छतरी के नीचे आके चुपचाप बैठ गए, कई दिन मुझे गुमराह किया, अपन मिलके लड़ेंगे हनुमान जी मिलके लड़ेंगे, और कब लड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो लड़ ही रहा हूँ राजस्थान के अंदर। ये जो पार्टी बनाई भाइयों, पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 2013 के अंदर संघर्ष कर रहे थे, महल की महारानी चौक जी को कहना चाहता हूँ, छोड़ गए अकेला ही खड़ा हूँ, ये बोतल का जो चिन्ह आपको दिया है ये चिन्ह ऐसे नहीं मिला, चिन्ह एक बार मिला था लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने बोतल का चिन्ह छीन लिया, टायर पे
24 बीजेपी को लाद के मैं दिल्ली छोड़ गया 24 जनों को, और तब मुझे चिन्ह मिला पूछल का। यह चिन्ह इस देश के अंदर चर्चा में है, इसलिए मोदी हर 3 और 4 दिन के अंदर राजस्थान आ रहे हैं। भाइयों, राजस्थान को कांग्रेस के दर से नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस तो जा रही है राजस्थान के अंदर। कहाँ आ रही है कांग्रेस बताओ मुझे, कौन सी सीट पे आ रही है? जिस बाजू में खड़ा हूं बाजू में मुकाबला कांग्रेस आरएलपी का नहीं है, बाजू में मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का मुकाबला है। कांग्रेस थर्ड नंबर पर बाजू के अंदर इस बार में 7 सीटें अगर आप मजबूत रहे तो राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर की 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो नया वोट जुड़ा 80-85 लाख राजस्थान के अंदर, इस बार वो आरएलपी को वोट देना पसंद करेगा, वो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट देना पसंद नहीं करेगा।